इस वक्त मैं जो है छत्तीसगढ़ के एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी दावड़ा यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और दावड़ा यूनिवर्सिटी द्वारा आज जो है स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे जो है पंजीयन करा रहे हैं, उसके बाद जो है इनका परीक्षण होगा। और पूरा जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा मैडम से, जो कि डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी के। जी मैम, आप सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़ पर। जी आज के कार्यक्रम का आप लोगों का क्या उद्देश्य, किन उद्देश्यों को लेकर जो है आप लोगों ने जो आज स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। आज हमारे यहाँ श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि NHMMI के डॉक्टर्स यहाँ आए हैं अपना अमूल्य वक्त हमें दे करके। तो आज ये जो कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया है उसका मेन उद्देश्य ये है कि आज की युवा पीढ़ी और हमारे सारे जो फैकल्टीज़ हैं उन सबको अपने हेल्थ के प्रति अवेयर कराने के लिए ये बहुत आवश्यक है। आजकल के मॉडर्न ज़माने में जैसे सब कोई अपनी ही लाइफ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद पर ध्यान देना भूल जाते हैं। हमारे जब शरीर हमको कोई रूटीन से ज़्यादा अलग कभी संकेत देता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि भाई हमारा आज ये काम है, हमारा वो काम है, और उसी काम में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने शरीर के जो संकेत हैं हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो अवेयरनेस कैंप है इसमें हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स आए हैं ये सारे डॉक्टर्स जो है हमारे बच्चों को इन संकेतों के बारे में और अन्य जो उनके मन में प्रश्न हैं अपने हेल्थ और स्वास्थ्य को लेकर के वो उनको सॉल्व करने आए हैं, उनके प्रश्न के उत्तर देने आए हैं। उसके अलावा उनका यहाँ ब्लड शुगर, ECG, BP ये सारी चीज़ों का चेकअप करने भी आया है। आजकल जो है सारी बीमारियाँ जो है वो युवा पीढ़ी में पाई जा रही है, तो इसका जो एम है हमारे कैंप का वो अर्ली डिटेक्शन ऑफ ये सारी बीमारियों का अर्ली डिटेक्शन करना एक एम है, ताकि जल्दी जितना जल्दी हम कोई बीमारी पकड़ में लाते हैं उतने ही इजीली हम इसको उसका निवारण कर सकते हैं। और मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी टीम ने जो इतनी मेहनत की है इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और जो डॉक्टर्स आए हैं MMI हॉस्पिटल से जिन्होंने अपना अमूल्य वक्त दिया है। और इन सारे बच्चों से मैं ये एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि वो दिल खोल कर अपने मन में जो प्रश्न है बेझिझक होकर के इन डॉक्टर से पूछे, और यदि कभी किसी भी प्रकार की उनको तकलीफ़ है उसको खुल करके बोले और उसका निवारण करे। तो बस मुझे यही कहना है कि हमारे माननीय श्री चिन्मय दावड़ा सर जो है आज उनके नेतृत्व में हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं चाहूँगी कि ये सब जो बच्चे हैं, स्टाफ है, फैकल्टीज है, ये उसका लाभ उठाए और ये बहुत ही अच्छे से ये मेडिकल कैंप सक्सेसफुली जो आयोजन। कितने की संख्या में यहाँ पे जो है बच्चों का यहाँ पे चेकअप किया गया है कुछ जानकारी? अभी हाल फिलहाल में 200-250 बच्चे जो है उनकी चेकअप हुई है, उसके अलावा हमारे सारे जो फैकल्टीज़ हैं उनका भी चेकअप हुआ है, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उन सब का चेकअप यहाँ हुआ है। मैम जो है स्वास्थ्य जो है शिविर के साथ साथ आपकी यूनिवर्सिटी का और कोई जो है रचनात्मक जो है सेवा भाव के साथ कोई और काम किया जाता है? पिछले दो ढाई साल पहले जब कोरोना का समय आया था तब हमारे चिन्मय फाउंडेशन में हमने एक कोविड केयर सेंटर खोला था, जो कि निःशुल्क सेवाएं दी गई थी, जिसमें हमने वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी। उसमें मरीज़ों के लिए दवाइयाँ, रहना, खाना पीना सारी चीज़ों को निःशुल्क दिया गया था। और जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह की खूब कमी हो रही थी तो हमने पूरी कोशिश की है हमने कि ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाए, वो भी सारी निःशुल्क। तो ये भी एक हम चिन्मय फाउंडेशन के बैनर के अंडर काफ़ी समाज सेवा के काम करते आ रहे हैं, और उनमें से एक ये कोविड केयर सेंटर है, हमने गौशाला खोली है। हम जो गांव-गांव जा कर के चाहे कपड़ा वितरण हुआ, चाहे दवाइयों का वितरण हुआ, हम कोशिश यही करते हैं कि हम से जितना बन पड़े हम समाज सेवा करें और आसपास के लोगों को खूब प्रोत्साहन दें पढ़ाई के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए।
और जैसे अब ये श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी जो उभर रही है, ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे कि हम सभी बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फोकस कर सकते हैं, चाहे वो अपनी हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। और जैसे ही ये बच्चे सारी फील्ड्स में सक्सेसफुल होंगे तो ना केवल इस एरिया का, ना केवल छत्तीसगढ़ का, हम ओवरऑल इंडिया में वो बच्चे अपना जो नाम करेंगे रोशन, वो उनके साथ साथ हमारे इंडिया का भी नाम रोशन करेंगे। आज के युवाओं के बारे में क्या दोस्तों से कहना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी जो है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और इनके पास इतनी एनर्जी है, तो इनकी एनर्जी को हमारी यूनिवर्सिटी चैनलाइज करना चाहती है। इतनी एनर्जी जो है इससे वो अपने एजुकेशन पे, अपने हेल्थ पे, अपने स्पोर्ट्स पे, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पे, अपने ग्रूमिंग पे खूब फोकस करे और खूब आगे बढ़े। और आज की युवा पीढ़ी को मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप खूब आगे बढ़िए, ऊँचाइयाँ छूइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कीजिए और हमारे इंडिया का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर, यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर मैम हैं और जिन्होंने आज इस जो है मेडिकल कैंप के बारे में बात रखी। जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या रहा उद्देश्य बताएं? ये कार्यक्रम यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के हेल्थ चेकअप से, हेल्थ टॉक से रिलेटेड था, जो कि बहुत अच्छा कदम है इस यूनिवर्सिटी के द्वारा। और जो मैं यहाँ आया, इतने प्यारे बच्चे हैं 18 से 25 साल की उम्र में, उनको उनसे काफ़ी कुछ सीखा, उन्हें काफ़ी कुछ सिखाया और मैं आशा करता हूँ कि ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है दावड़ा यूनिवर्सिटी ऐसा ही काम करती रहे और बच्चों की शिक्षा को मैं इनक्रेज करना चाहूँगा और ये बहुत अच्छा कदम है इस यूनिवर्सिटी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज के युवाओं के बारे में क्या कहना चाहिए? जो आज के युवा हैं उनमें काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी आगे जाने की हिम्मत शक्ति और दिमाग है, उनको एक सिर्फ एक सही दिशा की ज़रूरत है जो हम एजुकेशन के थ्रू करते हैं और करना चाहिए। जी सर, आप दावड़ा यूनिवर्सिटी में स्वास्थ्य परीक्षण शुरू का आयोजन करिए, कैसा रहा इसके बारे में? ये दावड़ा यूनिवर्सिटी और NHMMI अस्पताल की एक सामूहिक पहल है। दावड़ा यूनिवर्सिटी में अब बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, दावड़ा यूनिवर्सिटी एक अप एंड कमिंग यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत लोगों की मदद कर रही है। यहाँ के बच्चे अब दुनिया, एटलीस्ट हिंदुस्तान भर में जो पढ़े हुए हैं उनको नौकरियाँ मिल रही हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं यहाँ के बच्चे। तो उसी के चलते हुए यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया ताकि बच्चों की अगर कोई स्वास्थ्य समस्याएँ हैं तो वो उसका निःशुल्क जाँच हो सके और हमारी जो NHMMI और दावड़ा यूनिवर्सिटी की जो सामूहिक पहल है उसमें ही आगे बढ़ने वाला है एक अच्छा कदम। सर, कितने लोगों की मतलब चेकअप हुआ है? काफ़ी लोगों का चेकअप हुआ, मेरे ख्याल से 200 के आसपास बच्चे रहे, तो उनके संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, जो छोटी समस्या से लेकर बड़ी समस्या तक, तो एक अच्छा आयोजन था और उनको काफ़ी लाभ पहुँचा। आज की इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी ने जिस प्रकार से काम किया है? आयोजन बहुत ही अच्छा, सभी वेल मैनेज थी। जो हमारे दावड़ा यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन मैडम हैं, चार्मी मैडम, उनके सामूहिक पहल से और एक बेहतरीन आयोजन हुआ। उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे आयोजन होता रहेंगे ताकि ये एक जन कल्याण के विषय में, जन कल्याण के आयोजन में सब काम करता रहे, अच्छा रहे। श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया और हमने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया और आगे भविष्य में भी ऐसा मतलब मेडिकल कैंप आता रहे, जिसके लिए दावड़ा यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा महसूस हुआ, क्या करना? हम लोग को अच्छा लगा सर, क्योंकि ना कभी बहुत कम टाइम रहता है सर कि हम लोग खुद के बारे में अपना ख्याल रखें, और जैसे कि जो हमारे मेडिकल चेकअप टीम के जो सर लोग आए वो हम लोग को कितने अच्छे तरीके से बताए कि कैसे जो बीमारी रहता है उसको छुपाना नहीं है, बताना है अपने घर वालों के सामने, मतलब जो हम लोग नहीं कर पाते सर उसको ना यहाँ पास आकर हम लोगों के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाला है सर लोगों ने, तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी है सर। और यहाँ पास हम मतलब अपने फ्री मेडिकल चेकअप कैंप भी करवाने आए, जो हम लोग को टाइम नहीं रहता सर हम लोग की करवाए ऐसे हर। माने आपको इस कैंप से काफ़ी लाभ? यस यस। आपका सुना क्या सर? आपका सुना बताइए। मेरा नाम पूजा कोसले है सर, मैं केंद्री से आती हूँ, मतलब यहाँ कंप्यूटर क्लास IT के लिए। थैंक यू जी, शुक्रिया।
आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। श्री दावड़ा इंटरनेशनल कॉलेज में आपस स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए बताया गया था, जो कि बहुत अच्छा मतलब जानकारी दी गई, और इस प्रकार की जानकारी हर स्कूल और कॉलेज में देना चाहिए, और अपने अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे जागरूक हो, ये सभी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दिया है। मोनिका दौड़िया। जी बताएं, आज के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के बारे में क्या हुआ? जी आज दावड़ा यूनिवर्सिटी में मेडिकल टेस्ट का टेस्ट हुआ, जिसमें हम लोगों को बहुत सी ज्ञान की बातें मिली। यहाँ पर जो मेडिकल के डॉक्टर आए थे सर लोग, उन लोगों ने हम लोगों को बहुत अच्छी मार्गदर्शन दिए हैं, और जो हम लोगों का टेस्ट हो रहा है ऐसी बार बार यहाँ होना चाहिए, ताकि हम लोगों को अपने शरीर के बारे में पता चलते हैं। थैंक यू। भीमेश्वरी शाहू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रेनू सनवानी है और मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई थी। तो ये ट्रेनिंग के दौरान हमको जो डॉक्टर से मिलने के लिए मिला, बहुत सारे डॉक्टर थे जो कि हमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताएं, जो हमारे कहना चाहिए कि लाइफ में सब नहीं मिल पाता है आसानी से मिलने के लिए। अगर आप कहीं भी जाओगे वहाँ वेटिंग करना पड़ता है, अच्छे से सुझाव नहीं देते हैं, आपको यहाँ फ्री में मिल रहा है। हमारा यहाँ ट्रेनिंग भी हो रहा है, मतलब कि आपको बताया जा रहा है कि आपका कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी है, ये सारी चीज़ें तो फ्री में सारा इलाज का मान के चलिए हो रहा है, क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप वगैरह पता चल रहा है, शुगर प्रॉब्लम है जो भी है। तो ये जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, स्पेशली स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अभी के स्टूडेंट के लिए तो ये सब बहुत होना मतलब ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज की बातों में तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल यहाँ करोगे तो अपने आँखों से देखोगे क्या होता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ ऐसी हर जगह होनी चाहिए, ताकि हम लोग के जैसे स्टूडेंट और बाकी जो हैं वो कुछ जानकारी सीख सकें। थैंक यू। यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा अपना इंतज़ाम किया है, काफ़ी सारे महिला पेशेंट भी हैं और मेल्स पेशेंट भी हैं, जो महिलाओं को है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि खुल के बता पा रहे हैं। ये फ्री कैंप के जरिए काफ़ी सारों की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो पता चल रही है हमें, जो खुल के नहीं बोल पाते हैं सबके सामने वो हमें बोल पा रहे हैं, अभी वो दिखा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए फ्री कैंप की बहुत ज़रूरत है, जो कि अभी हो रही है। अभी तो 10 जन देख लिए हैं जी। क्या मार्गदर्शन दिया गया आज शिविर में? यही बोला गया है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, अपने बारे में सोचना है थोड़ा, ये नहीं कि आप स्ट्रेस लेवल आपको लेना नहीं है, स्ट्रेस लेवल कम करिए। अभी जो यहाँ पे जितने बच्चे हैं मेनली 18 से लेकर 25 एज के बच्चे हैं, तो अभी उनका पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, काम का स्ट्रेस रहता है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी ये सब चीज़ का स्ट्रेस रहता है। तो ये सब चीज़ को छोड़ के अपनी पढ़ाई पे तो ध्यान देना ही है, और अब साथ साथ अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं, हो सकता है कि वो कोई बीमारी हो, हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मान लीजिए सर दर्द रोज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो जानने की ज़रूरत है। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट होने की बहुत ज़रूरत है।